हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री शक्ति टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज के वीडियो में इस तरह का टॉर्च है, जो इमरजेंसी टॉर्च होता है, ये चार्जेबल है। यहां पर देखिए चार्जिंग यहां से किया जाता है। और ये देखिए नया वाला टॉर्च है जो मार्केट में मिल जाता है, PL सुप्रीम कंपनी का है, 015 मॉडल है। तो इसमें समस्या है कि ये जल नहीं रहा, जलता है तो छोड़ देता है। देखिए यहाँ पर जल रहा है, उसके बाद ये देखिए छोड़ दे रहा है। देखिए इसको हिलाने पे चल रहा है, बंद हो जाता है। देखिए बंद हो गया, छोड़ दे रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या समस्या है और इसको रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। हो सकता है इसके अंदर का कनेक्शन भी ढीला हो सकता है या बैटरी से भी दिक्कत हो सकता है। तो देखिए यही टॉर्च है, अब इसको आपको एकदम सिंपल तरीका बताएंगे रिपेयर करने का। इसमें केवल समस्या इसका है जो छोड़ पकड़ रहा है। देखिए यहाँ पर इसे जल रहा है, देखिए छोड़ देते हैं तो बंद हो जाता है, देखिए हिलता है। देखिए चलिए इसको अभी हम खोलते हैं और इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका स्क्रू दिया है, इसको यहाँ पर खोल लेना है। एकदम आसान तरीका है दोस्तों, घर पर रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो इस टॉर्च को आपको रिपेयर करने का एकदम आसान तरीका बताएंगे, आप घर पर रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रू को खोल लेते हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए ये खुल गया और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये जो बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी को पहले चेक करेंगे। पहले इसका देख लेंगे यहाँ पर कोई तार और तो नहीं टूटा है बैटरी का। यहाँ पर देखिए माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है, दोनों यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर एक LED है जो साइड में जलती है। उसके बाद यहाँ पर जैक भी दिया चार्जिंग वाला। तो पहले इसकी हम बैटरी को चेक करते हैं, 20 पे DC पे मोड पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैटरी को लगाएंगे, चेक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर लगाते हैं तो 2.3 वोल्ट के लगभग यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है, 4 वोल्ट के लगभग 3.83 पॉइंट। मतलब ये बैटरी पूरी तरह से इस समय चार्ज दिखा रही है, सही भी दिखा रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे इसको चालू करते हैं उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा झटका देते हैं तो ये बंद हो जाता है। अभी देखते हैं इसको यहाँ पर चालू करके। देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा भी हिलता डुलता है तो बंद हो जाता है। देखिए बंद हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बैटरी को चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि इसमें सप्लाई बैटरी दे रही कि नहीं। देखिए इसमें बंद है, 3 वोल्ट के ऊपर देना चाहिए, 3.60 वोल्ट, लेकिन ये इसमें 1 वोल्ट भी नहीं दे रहा है। अभी इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये चलता है। देखिए अभी हिलता है, देखिए चल रहा है। इसमें दिक्कत इसका जो बैटरी है AC दिक्कत है, क्योंकि बैटरी जब हिल रहा है तो ये पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, तो इसका मतलब बैटरी अंदर से डैमेज हो गई। इसके अंदर का जो प्लस यहाँ पर है, माइनस वाला वायर है, अंदर से कहीं से ब्रेक हो गया है झटका लगने से। तो इसको या तो बैटरी नया लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ही रिपेयर करके आपको दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका वायर है इसको दबाते हैं तो जलता है। देखिए यहाँ पर दबा रहे हैं तो जल रहा है, छोड़ दे रहा है। मतलब वायर तो ऊपर से सही है, लेकिन अंदर से इसका जो कनेक्शन है वहाँ से दिक्कत है। तो इसको हम आसानी से इस बैटरी को रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे, फ्री में रिपेयर करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरह का एक बोल्ट ले लेंगे। बोल्ट लेने के बाद इस बैटरी पे इसको जिस साइड में छोड़ रहा है या माइनस या प्लस, उस साइड में इसको इस तरह से रख के इस पर थोड़ा सा पिलास के माध्यम से इसको मारना होता है। उसके बाद इधर भी थोड़ा सा देख लेंगे, इधर भी साइड में थोड़ा सा इसको मार लेंगे और कनेक्शन अंदर से ढीला रहेगा तो ये टाइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी भी ये सप्लाई नहीं दे रहा है। पहले इसको यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज नहीं दे रहा है, एक भी वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो इसमें जो अंदर का इसका जो वायर होता है वो कहीं अंदर से ब्रेक हो गया है, अंदर से ब्रेक होने की वजह से ये सप्लाई नहीं दे रहा है। देखिए अभी भी इसमें बैटरी में ही समस्या है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नुकीला पेचकस लेंगे और इसको यहाँ पर अंदर से इसका जो प्रिंट होता है वो छोड़ देता है। तो नुकीला पेचकस से हम प्रिंट को मिलाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसके जो खूटी है प्लस वाला, इस पर थोड़ा थोड़ा चोट मारेंगे। देखिए इस तरह से चोट मारना है, तब तक मारना जब तक ये जलने ना लगे। देखिए जलने लगा,
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका जो प्रिंट होता है अंदर का प्लस वाला वो छोड़ दिया था झटका लगने से गिरने से जो भी, तो इसको हम रिपेयर कर दिए हैं। आप इसी तरह से बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। इस कंडीशन में लोग इस बैटरी को चेंज कर देते हैं, लेकिन हम आपको इसको रिपेयर करके बताया हूँ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए अब इसके यहाँ पर वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा बैटरी वर्क करता है कि नहीं। देखिए हमारा 3.82 मतलब ये लगभग जितना इसका कैपेसिटी है 3.7 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3.7 से ऊपर दे रहा है, लगभग ये बैटरी हमारा बन चुका है। इस तरह से आप घर पर इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको जो भी वीडियो डालेंगे आप तक पहले पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पर इसको चालू करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कितना भी इसको झटका मारते हैं, देखिए अब इसको कितना पटकेंगे ये बंद नहीं होगा। देखिए इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल पर बने रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब ये हमारा पूरी तरह से टॉर्च बन के तैयार हो गया, अब ये कहीं से बंद होने वाला नहीं है। इसको कितना, तो इसका सलूशन हो गया, इसका समाधान हो गया। ये बैटरी से ही दिक्कत है, ये बैटरी आपको रिपेयर करके दिखाएं दोस्तों, या तो आप एकदम नहीं बनने वाला इस तरीके से जो उपाय आपको जुगाड़ बताए हैं तो तब आप जाके इसको नया बदलिए। इसमें ज़्यादातर देखिए इसका चार्जिंग पिन है, ये भी टूट जाता है, इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। स्विच भी ख़राब होते हैं, इसको भी बना सकते हैं। और इसमें देखिए इसका बल्ब है, ये भी अगर ख़राब होता है तो इसको आप लगा सकते हैं। फिलहाल इसमें जो बैटरी की समस्या थी तो बैटरी आपको रिपेयर करके दिखाएं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा टॉर्च बनके तैयार हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।